उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फिल्म प्रमोशन के दौरान दर्शन करने गए बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बगैर दर्शन के ही लौटना पड़ा। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध व नारेबाजी की, लेकिन प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद भी बजरंग दल कार्यकर्ता अपने एजेंडे में सफल रहे। रणवीर और आलिया को मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाने दिया। अब इस बात को लेकर महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के विरोध पर निशाना साधते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पूरी घटना पर सरकार की सहमति का अंदेशा भी जताया है। पीएम मोदी की राजनीति पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने बॉलीवुड अभिनेताओं को हिम्मत जुटाने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के खिलाफ ऐसी वाहियात घटनाएं जिसके इशारे पर हो रही हैं, कम से कम बॉलीवुड के लोगों को अब उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, डर को भूलना चाहिए, नहीं तो आज रणवीर, आलिया और कल आप सबका नंबर आएगा। दरअसल फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के दौरान अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, लेकिन बॉलीवुड से नफरत के चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और मंदिर में नहीं घुसने दिया। इस पूरी घटना पर प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के साथ बॉलीवुड की तमाम हस्तियों और रणबीर कपूर की फ़ोटो शेयर करते हुए कहा, इस फोटो में मौजूद कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा अगर आप नफरती चीज़ों पर मूक दर्शक यूं ही बने रहेंगे और ये मानते रहेंगे कि ये आपका व्यवसाय से अलग राजनीति है। कल से सबके साथ यही होने वाला है। महाकालेश्वर मंदिर की ये घटना इसकी एक वानगी भर है। शर्म आती है, राजनीतिक नफरत इस तरह की विकृतियों को जन्म दे रही है। आगे उन्होंने कहा, हर फिल्म के रिलीज से पहले ऐसे सिलेक्टेड प्रदर्शन इनका धंधा और एक लॉबी बन गया है। अगर सामूहिक रूप से इसको पीछे नहीं धकेला गया तो हम तेजी से नफरत, भय और खामोशी की खाई में गिरते जा रहे हैं। मनोरंजन उद्योग रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है, लाखों लोग इस पर निर्भर हैं। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए।